टाइम डेज में दे रखा है और उनके प्रीसीसर्स दे रखे हैं ए और बी स्टार्टिंग एक्टिविटी है सी फॉलो कर रही है बी को डी फॉलो कर रही है सी को ई e, फॉलो कर रही है ए और डी को इसका मतलब ए और डी मर्ज एक्टिविटीज होंगी एफ फॉलो कर रही है डी को जी फॉलो कर रही है ए और डी दोनों को इसका मतलब जी भी आपकी मर्ज एक्टिविटी होगी ए और डी मर्ज एक्टिविटी होंगी एच फॉलो कर रही है ई e को आई फॉलो कर रही है जी कॉम एच को यानी कि जी और एच भी मर्ज एक्टिविटी होंगी जे फॉलो कर रहा है आई को के फॉलो कर रहा है जी को एल फॉलो कर रहा है जे कोमा के को इसका मतलब जे और के मर्ज एक्टिविटी होंगे एम फॉलो कर रहा है एल को और फिर इन एक्टिविटी के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको ए का सिक्स डेज बी का फाइव डेज सी का टू डेज इसी तरीके से लास्ट में एम का वन डेज दे रखा है क्या करना है आपको यहाँ पर ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ ऑल्सो वॉट इज इट्स लेंथ तो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है पहले आपको इसके बाद आपको क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करना है और फिर इसकी लेंथ निकालनी है ठीक है तो हम इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो हम एक नेटवर्क डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग एक्टिविटी की दो स्टार्टिंग एक्टिविटी देखें आपको ए और बी तो पहले हम स्टार्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे दिस विल बी द स्टार्टिंग एक्टिविटी ए और ये हो जाएगी आपके पास स्टार्टिंग एक्टिविटी दैट इज बी ठीक है सो दिस इज एक्टिविटी ए एंड दिस इज एक्टिविटी बी नाउ अब हमें देखना आगे सी फॉलो कर रही है बी को सी फॉलो कर रही है बी को जी मैंने सी एक्टिविटी फॉलो कर ली ए का टाइम लिख देते हैं हम यहाँ पर सिक्स डेज बी का टाइम लिख दिया हमने यहाँ पर फाइव डेज और सी का टाइम लिख दिया हमने यहाँ पर टू डेज ठीक है अब आगे देखते हैं हम आगे हैं आपके पास जो डी है वो फॉलो कर रहा है सी को तो डी को फॉलो करा देते हैं सी के रेफरेंस में जाके पास आ गई डी एक्टिविटी ये फॉलो कर रहा है सी को और डी के रेफरेंस में टाइम आपको दे रखा है टू डेज ठीक है अब आगे क्या तो कर रहा है आपसे इसमें दो प्रॉब्लम है एक तो एफ फॉलो कर रहा है डी को ठीक है और फिर ई e और जी दोनों ए और डी को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ए और डी को मर्ज एक्टिविटी करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ए और डी को डमी एक्टिविटी से फॉलो करूँगा इसे मैं डेडेस से शो कर रहा हूँ ठीक है यहां पर इसको मैंने ए की तरफ मूव कर दिया एरो को अब ए और डी दोनों क्या हो गए दोनों मर्ज एक्टिविटी हो गए अब डी से मैं फॉलो करा दूंगा कैसे डी से मैं फॉलो करा दूंगा एफ को तो एफ फॉलो कर रहा है डी को ये दोनों प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई और एफ के रेफरेंस में आपको टाइम दे रखा है दैट इज इक्वल टू वन डे ठीक है अब ए कॉमा डी को फॉलो करने वाली कौन कौन सी हैं? दो एक्टिविटी हैं। एक है ई e, और दूसरी है जी तो ई e और जी दोनों को फॉलो करते हैं हम ये दोनों एक्टिविटी आगे पास दिस इज द एक्टिविटी ई इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है टू डेज का एंड दिस इज द एक्टिविटी जी इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है जी का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है सिक्स डेज ठीक है जी का टाइम ड्यूरेशन आपके पास सिक्स डेज का यहां तक क्लियर हो गया हमें अब आगे देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक हो गया हमारा अब जी के बाद एच फॉलो कर रहा है ई e को, एच फॉलो कर रहा है e को H के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है फाइव डेज का ठीक है आगे देखते हैं इसमें ना आई फॉलो कर रहा है जी कॉमा एच को आई फॉलो कर रहा है जी कोमा एच को और एक दिक्कत और है यहां जो के है वो फॉलो कर रहा है जी को तो इसका मतलब जी कॉमा एच को में मर्ज डमी एक्टिविटी से तो ऐड करूंगा करूँगा लेकिन उसका जो एरो है वो मैं फॉलो करूँगा एच की तरफ यहाँ से और जी से मैं एक्टिविटी फॉलो कर दूंगा कौन सी के तो के को मैंने यहाँ फॉलो कर दिया ठीक है यहाँ गए एक्टिविटी के और एक्टिविटी के के रेफरेंस में आपको टाइम दे रखा है के, के रेफरेंस में टाइम है आपका दैट इज इक्वल टू फोर डेज ठीक है अब आगे देखते हैं के फॉलो कर रहा है जी को हो गया हमारा यहां तक आई जे को एच को जे फॉलो कर रहा है आई को आई फॉलो कर रहा है जी मैं एच को तो जी मैं एच को आई फॉलो कर रहा है तो आई को मैं आगे बढ़ा देता हूं यहां पर ये आपके पास एक्टिविटी आई और आई का टाइम ड्यूरेशन आपको रखा है सिक्स डेज ठीक है अब जे फॉलो कर रहा है ए को जे फॉलो कर रहा है आई को लेकिन जे कॉमा के दोनों के यहाँ मर्ज एक्टिविटी इसी वजह से मैं यहां से इसको मर्ज कर दूंगा यहां पर आई फॉलो आई को फॉलो कर रहा है कौन आई को फॉलो कर रहा है जे और जे कॉमा के दोनों मर्ज एक्टिविटी है जे के रेफरेंस में टाइम दे रहा है आपको टू डेज़ का जे कॉमा के को कौन फॉलो कर रहा है एल एल फॉलो कर रहा है तो यहां से मैं एल के रेफरेंस में ये एक्टिविटी मेरे गई एल एल के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है आपको थ्री डेज का दे रखा है ठीक है अब देखिए एम फॉलो कर रहा है एल को अब क्योंकि हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं तो एम फॉलो कर रहा है एल को मैं इसको एफ पर जाकर मर्ज कर देता हूँ और इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एम फॉलो कर रहा है एल को और एम के रेफरेंस में टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको डे का तो यहाँ तक क्लियर हो गया है तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट प्रोजेक्ट ड्रॉ हो चुका है नेटवर्क डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया प्रोजेक्ट के रेफरेंस में हम क्या करेंगे हर इवेंट के रेफरेंस में पहले नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर तो नंबरिंग कर देते हैं दिस विल बी द नंबर वन इसकी नंबरिंग हो जाएगी टू इसकी नंबरिंग हो जाएगी थ्री फिर इसके बाद इसकी नंबरिंग होगी फोर इसकी नंबरिंग हो जाएगी आपके पास फाइव फाइव के बाद ये सिक्स ये सेवन सिक्स सेवन और फिर ये आएगा आपके पास एट इवेंट एट के बाद ये नाइन इवेंट नाइन के बाद ये टेन इवेंट टेन के बाद ये एलेवन इवेंट तो कुर्मा के पास इलेवन इवेंट होंगे अब हर एक के रेफरेंस में मैं ई e वैल्यूज और एल वैल्यूज को नोट कर देता हूं ए वन एल वन ए टू एल टू ए थ्री एल थ्री ए फोर एल फोर ए फाइव एल फाइव यहाँ नोट करेंगे ई सिक्स एल सिक्स यहाँ नोट करेंगे ई सेवन एल सेवन यहाँ नोट करेंगे ई एट एल एट ई नाइन एल नाइन ई टेन एल टेन ई एवन एल इलेवन और एक और आएगी ये ट्वेल्व इसकी नमिंग तो रहेगी हमारी ई ट्वेल्व एल ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ तक मेरे पास ये डिफरेंट इवेंट्स आ गए हैं इनकी ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को मैंने नोट कर दिया है अब मैं फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करते हुए इसके रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करूँगा तो पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड पास मेथड की फॉर्मर पास मेथड में हम ई वैल्यूज़ डिटरमाइन करेंगे तो हम इसके लिए ई e वन की वैल्यू रखेंगे जीरो जीरो लॉ के अकॉर्डिंग नाउ जीरो प्लस सिक्स इजिकल टू सिक्स हो जाएगा यहाँ पर लेकिन ये वैल्यू एक यहाँ से भी आएगी तो इसको भी हम फॉलो नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे इसको फॉलो करेंगे यहाँ तक जीरो प्लस फाइव ये कितना जाएगा फ़ाइव फाइव प्लस टू कितना जाएगा सेवन सेवन प्लस टू कितना जाएगा नाइन अब देखिए नाइन इसकी जीरो बनेंगे हम ड्यूरेशन तो नाइन प्लस जीरो इजिकल टू नाइन होगा और जीरो प्लस एक्स सिक्स होगा तो यहाँ पर हम नाइन मानेंगे इसको तो ये इसी वजह से इट विल बी इक्वल टू नाइन ये इक्वल होगा नाइन के ना कि सिक्स के पॉइंट क्लियर हो गया तक ठीक है अब आगे प्रोसीड कर देते हैं हम इसको नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन प्लस फाइव सिक्सटीन लेकिन एक एक्टिविटी यहाँ से भी आ रही है तो यहाँ देख लेते हैं नाइन प्लस सिक्स नौ से पंद्रह पंद्रह में जीरो ऐड करेंगे तो पंद्रह आएगा और ग्यारह में पाँच ऐड करेंगे सोलह आएगा तो यहाँ हम फाइनल वैल्यू ले लेंगे सिक्सटीन पॉइंट क्लियर हो गया सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू आएगा यहाँ पर देट इज़ क्लियर अब यहाँ देखिए ट्वेंटी टू प्लस टू इजिकल टू फोर ट्वेंटी फोर होगा लेकिन यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन होगा तो हम कंसिडर करेंगे ट्वेंटी टू को तो ट्वेंटी टू प्लस टू यानी कि हम यहाँ काउंट करेंगे ट्वेंटी फोर को ट्वेंटी फोर प्लस थ्री कितना आएगा ट्वेंटी सेवन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन प्लस वन ये आएगा ट्वेंटी एट तो सारी इवेंट्स के इवेंट्स में ई वैल्यूज आ गए अब एल वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए जो लास्ट वैल्यू है एल टू इसे हम ट्वेंटी एट के इक्वल रखेंगे अब माइनस करते चले जाइए ट्वेंटी एट माइनस वन कितना जाएगा ये ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री ये कितना जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर माइनस टू ट्वेंटी फोर माइनस टू यानी कि ट्वेंटी टू हो जाएगा ये ठीक है अब यहाँ से भी माइनस करेंगे ट्वेंटी फोर माइनस फोर ये ट्वेंटी आएगा लेकिन एक वैल्यू यहाँ से भी आ रही है तो पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं ट्वेंटी टू माइनस सिक्स यानी कि सिक्सटीन अब देखिए सिक्सटीन माइनस जीरो सिक्सटीन आएगा और यहाँ से ट्वेंटी फोर माइनस फोर ट्वेंटी टू आएगा ट्वेंटी फोर माइनस फोर ट्वेंटी आएगा और सिक्सटीन और ट्वेंटी में सिक्सटी मिनिमम है तो सिक्सटीन को हम यहाँ कंसिडर करेंगे इसकी एल वैल्यू में एल सेवन में यहाँ सिक्सटी माइनस फाइव एलेवन आ जाएगा एलेवन माइनस टू ये भी नाइन आ जाएगा नाइन अब यहाँ स्टॉप कर देंगे अब पहले इसको डिटरमाइन कर लेते हैं हम सिक्सटीन माइनस सिक्स ये यहाँ निकालना है हमें ये एल फाइव की वैल्यू तो ये यहाँ से निकलेगी एल सेवन से तो सिक्सटीन माइनस सिक्स हाँ ये नाइन आ गया अब यहाँ से नाइन से निकलेगी सॉरी नाइन माइनस जीरो ये आएगी नाइन नाइन माइनस टू ये आएगी सेवन ठीक है सेवन माइनस टू 5, 5 5, ये आएगी इक्वल टू फाइव और फाइव माइनस फाइव ये आएगा जीरो यहाँ से नाइन माइनस सिक्स थ्री करोगे फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा तो जीरो को हम कंसीडर करेंगे तो इस तरह से हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में मैंने ई e वैल्यूज और एल वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया है अब हम इस पर से डिटरमाइन करेंगे अबाउट द क्रिटिकल एक्टिविटीज तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं तो पहले देख लीजिए ये क्रिटिकल एक्टिविटी है ठीक है दिस इज द क्रिटिकल एक्टिविटी दिस इज द क्रिटिकल एक्टिविटी फोर भी क्रिटिकल एक्टिविटी थ्री फोर भी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई फोर फाइव भी क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी ठीक है फाइव और ये इधर आएंगे ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी है ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी है, है, है ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी है तो कुल मिला के हमें एक पर्टिकुलर पाथ को यहाँ फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो कहाँ से होगा वो फॉलो होगा बी से तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हो गई बी सी डी डी के बाद यहाँ से आप मूव करके ई e की तरफ जाओगे ई e. एच आई जे एल और एम ये हुई क्रिटिकल एक्टिविटीज यहां मैं नोट कर देता हूं क्रिटिकल एक्टिविटीज ये हुई आपके पास बी सी डी ई एच आई जे एल और एम ठीक है किटिकल पाथ क्या होगा किटिकल पाथ इजिकल टू बी टू सी टू डी टू ई टू एच टू i टू j टू l टू M ठीक है या फिर ये किसका हो जाएगा वन टू थ्री टू फोर टू फाइव टू 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 सिक्स टू एट टू नाइन टू टेन टू इलेवन टू ट्वेल्व ये आ गया आपके पास क्रिटिकल पाथ अब मैं निकालूंगा प्रोजेक्ट लेंथ तो प्रोजेक्ट लेंथ के रिगार्डिंग जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को ऐड करते चले जाओ तो प्रोजेक्ट लेंथ निकल कर रह जाएगी मेरे पास तो पहले बी की बात करेंगे बी का टाइम ड्यूरेशन है फाइव सी का है टू डेज डी का है टू डेज़ इसके बाद ई e का है टू डेज एच का है फाइव डेज आई का है सिक्स डेज प्लस जे का है टू डेज़ एल का है थ्री डेज एम का है वन डे ठीक है अब इसका टोटल कर लेते हैं हमारे पास कितना आएगा जस्ट है टोटल ऑफ दिस फाइव और टू सेवन और टू नाइन और टू इलेवन फाइव फाइव सिक्सटीन और सिक्स ट्वेंटी टू और टू ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी सेवन और वन ट्वेंटी एट तो प्रोजेक्ट लेंथ कितनी आ गई ट्वेंटी एट डेज और हमारे पास लास्ट में भी ये वैल्यू चाहिए ई एट की ई एलेवन ई ट्वेल्व और एल ट्वेल्व की सो दिस इज़ द फाइनल आंसर तो इस तरह से हमें प्रोजेक्ट के रेफरेंस में क्रिटिकल एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट लेंथ डिटरमाइन हो जाती है ओके थैंक यू